फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद स्माइल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया DIY जो कि आपकी स्किन को काफी बेनिफिशियल रहेगा, काफी ग्लोइंग करेगा आपकी स्किन को और काफी ब्यूटीफुल बना देगा। जैसे कि आपको पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है और आप भी चाहेंगे कि आपकी स्किन काफी ग्लो करे, काफी बेटर लगे और काफी खूबसूरत लगे। तो ये जो DIY मैं आपको बता रही हूँ मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और उसका बेनिफिट मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, तो स्टार्ट करें। पहले मैं बता देती हूँ इस DIY में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जो चीजें आपको इस DIY में चाहिए वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप लोगों के सभी लोगों के घर में अवेलेबल रहता है, तो काफी ये इतना आसान रहेगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको जो चाहिए होगा वो होगा थोड़ा सा कर्ड। कर्ड की जगह पे आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। मैं मलाई इसलिए नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है और ऑयली स्किन की वजह से जब मैं मलाई अगर यूज करती हूँ तो मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कॉफी पाउडर। आप किसी भी कंपनी का लीजिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल हो। उसके साथ आपको चाहिए होगा 2 चम्मच बेसन, जो कि मैंने लिया है। अगर आप सिंगल अपने लिए ही बना रहे हैं तो 2 चम्मच चाहिए होगा, अगर बाकी किसी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी आप साथ में बना रहे हैं तो उसके लिए आप उसी क्वांटिटी में डबल डाल लीजिए। और उसके साथ आपको चाहिए होगा हनी, जो आपकी स्किन को नेचुरली जो है ब्लीच करेगा, वो चाहिए होगा। और साथ में आपको एक बाउल चाहिए होगा और एक स्पून। आप इन सबको मिक्स करने के लिए गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप उसकी जगह पर आप मिनरल वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैक बनाना। हम ये बॉल ले लेते हैं, बॉल के अंदर हम लोग कर्ड डालेंगे। ठीक है, जितनी भी कर्ड होगी उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर बेसन, जो कि मैंने आपको बताया था 2 स्पून लिया हुआ है मैंने। उसको आप मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था मिनरल वाटर। आप फिल्टर वाटर ले लीजिए, नहीं तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। आपके अवेलेबल के ऊपर होता है कि आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है। आप अच्छे से इसको मिक्स करिए, इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, यानी कि गांठे नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप जब फेस पे लगाएं तो वो गांठे होती हैं तो फिर ढंग से वो चीज नहीं सही लगती है। ठीक है, साथ साथ फिर आप अच्छे से उसको फेंक लीजिए इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, ये गांठे नहीं बनी हुई है। ठीक है, फिर इसके साथ आपको मिक्स करना है इसके अंदर कॉफी पाउडर। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, जितनी अच्छी तरीके से ये मिक्स होगा उतना ही आपके फेस पर सही लगेगा, उतना ही आपकी स्किन को ग्लो करेगा ये और उतना ही बेनिफिट देगा। अच्छे से आप फैट हो उसको आपको ऐड करना है थोड़ा सा हनी, ज्यादा नहीं यूज करना है, जिससे कि ज्यादा वो फिर थोड़ा सा ज्यादा स्टिकी हो जाता है आपकी स्किन के लिए। हम लोगों ने अपना ये पैक बना लिया है, जो ये DIY हमने रेडी कर लिया है। तो इस DIY को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हैंड, मैंने जैसे कि बताया था, आपको वॉश कर लेने हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं अपने हाथों से ही इसको लगाती हूँ। कुछ लोगों के पास ब्रश होता है जो कि अवेलेबल होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने बालों को अच्छे से आप टक कर लीजिए इस तरीके से। कोई भी क्लचर वगैरह से आप क्लच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये बालों में लगेगा तो फिर छूटने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ता है, क्योंकि इसमें शहद वगैरह है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने बालों को टक कर लीजिए। मेरे फेस पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने कोई मेकअप या कोई क्रीम नहीं लगाई है, उसको सिर्फ मैंने फेस वॉश किया है इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, मैं इस तरीके से लगाती हूँ। ये देखिए, कभी भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो आपको ऊपर की तरफ ही लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपकी स्किन की मसाज भी हो जाती है उसके साथ साथ। इस तरीके से आप लगाइए,
थिकनेस आपके ऊपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, थिकनेस आपके ऊपर होता है कि आप कितना थिकनेस रखना चाहते हैं। मुझे इतनी ही थिकनेस सही लगती है तो मैं इतनी ही लगाती हूँ, क्योंकि सूखने में टाइम ज्यादा लग जाता है फिर, और आधा घंटे से ज्यादा इसको रखना जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपने हर एक पोर्स, अपने अपने हर एक कॉर्नर्स में, आपको जैसे नोज के कॉर्नर्स में लगाइए, इस तरीके से अपर लिप्स में आप लगा लीजिए। हर जगह पे आपने लगाया है, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना थिकनेस मैंने रखी हुई है। काफी अच्छा रहा है, मैंने काफी टाइम तक इसको यूज किया है, तब जाके मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉफी जो है आपकी स्किन को काफी बेनिफिट देती है, ठीक है। और बेसन भी बहुत टाइम, आपको पता है बहुत पुराने टाइम में भी लोग बेसन को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, कुछ लोग तो प्लेन बेसन भी लगाते थे। आप जाके बेसन वगैरह, घर की चीजें जो होती है वो आपकी स्किन को अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है और काफी नुकसान नहीं करती है। आपको भी पता है जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, मैं ये नहीं कहूंगी खराब होते हैं, क्योंकि कुछ लोग यूज करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन हाउसवाइफ के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पार्लर्स वगैरह में टाइम स्पेंड करना, तो DIY उनके लिए है, उनके लिए बेनिफिशियल है, जो कि बाहर ना जाकर भी घर पर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अपना बेस रख लिया है, ये देखिए। तरीके से मैंने, क्योंकि देखिए फेस पे अगर, तो फेस और नेक का कलर जो होना चाहिए वो थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, बिकॉज हम जब मेकअप भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन चीजों की वजह से हमारे जो मेकअप हम लोग नेक पे भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों को क्लीनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर क्लींजर चाहिए होता है, हम लोगों को नेक भी उतनी ग्लोइंग चाहिए होती है। मैंने ये लगा लिया है, ठीक है, तो ये आपको आधा घंटे रखना है, और जब तक आप इसको लगाकर रखते हैं तब, जब तक ये सूख नहीं जाता, ज्यादा नहीं अकड़ाना है आपको, ठीक है, उसी हिसाब से रखना है जिससे कि आपकी इसको उनसे धुल सके, ठीक है। तो आधा घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस आधा घंटा हो गया है, ये सूख गया है, इतना ही सुखाना है आप लोगों को, ज्यादा सुखाएंगे तो आपके रिंकल्स पड़ सकते हैं, तो मैं आपको इससे धोकर मिलती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आपको खुद ही लग रहा होगा कितना फ्लोइंग, कितना क्लीन लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, इतना सारी चीजें, इतना मुझे फ्रेश फील कर रहा है, खुद ही मुझे लग रहा है कितना ज्यादा बेटर फील हो रहा है मुझे। आपको याद रखनी कि जब भी आप इस फेशियल को हटाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से मसाज करते हुए हटाना है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से प्यार से हटाना है, ठीक है, जिससे कि आपको जो मसाज आप करेंगे इसको हटाते हुए, तो आपके उस पोर्स जो है वो क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे अच्छी तरीके से, उस अच्छा आपको ग्लो इसलिए मिलेगा वो। तो ये आपको याद रखना है कि हटाने के टाइम पर आपको अच्छे से इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से आपको इस तरीके से मसाज करनी है। वो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसको यूज करने के बाद आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, अपना कोई भी मॉइस्चराइजर, जिससे कि आपका थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आप यूज कर लीजिए, मैं आपके सामने ही मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। इस तरीके से आप मॉइस्चराइजर इस तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए। शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको इस DIY का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ये करना चाहते हैं कि इसको हफ्ते में दो बार यूज कीजिए। दो बार आप यूज करेंगे तो आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन, और ये इसका रिजल्ट आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपकी स्किन इसका बेनिफिट आपको कितना अच्छा मिलेगा। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ फिर आपको इसी तरीके की इसी वीडियो में, जो कि आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आपको मेरे से किसी और तरीके की वीडियो की डिमांड है, जिससे मैं आपको लगे कि किसी भी तरीके का रिव्यू है, जिस तरीके की अगर कोई DIY आपको जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको इस्तेमाल करके बताऊं, या कोई प्रोडक्ट है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।